तो रायपुर से खबर है जहां सीएम भूपेश बघेल ने कराया मिलेट्स लंच। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महत समेत सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा में परोसे गए मिलेट्स से बने व्यंजन, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री को भाया रागी से बना हलवा, विधायकों ने लिया रागी के पकौड़े, कोदो के भजिए और कुटकी के फड़े का स्वाद। इसके साथ ही आपको बता दें कि मिलेट्स को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री की ये पहल है और इसके तहत मिलेट्स लंच यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कराया। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मिलेट्स को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर ये पहल है जहां सीएम भूपेश बघेल ने मिलेट्स लंच कराया। मिलेट्स ईयर 2023 घोषित हुआ है और छत्तीसगढ़ में पहले ही कोदो कुटकी रागी का उत्पादन होता रहा है और 2022 में ही हम लोगों ने कोदो कुटकी रागी का खरीदी शुरू किया और इस साल लगभग 52,000 क्विंटल हम लोग कोदो कुटकी रागी खरीदी की है और इस साल उसका उत्पादन भी बढ़ा है। क्योंकि समर्थन मूल्य कोदो और कुटकी का था नहीं, छत्तीसगढ़ के एकमात्र राज्य है जहां कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है। किसान 1500 से 1800 के बीच में वो अपना कोदो कुटकी बेच देते थे, सरकार के द्वारा 3000 घोषित करने के बाद लोग उसका रकबा भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है। और आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर यहाँ मिलेट से बने हुए सारी चीज़ें जिसमें कोदो कुटकी के खीर, रागी के हलवा, फिर उसके कोदो का चावल और डोसा, वो सब सामग्री बने थे, बहुत बढ़िया बना है। और ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। बहुत सारे मिनरल्स कोदो कुटकी रागी के माध्यम से मिलता है और उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए।